तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश को देंगे सौगात और आज होगा इंदिरा रसोई योजना का आगाज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे इसकी लॉन्चिंग और मुख्यमंत्री आवास से होगी योजना की लॉन्चिंग। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी रहेंगे मौजूद और सभी मंत्री भी वीसी के जरिए जुड़े रहेंगे। सभी जिलों से सांसद विधायक और जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। 8 रुपए में मिलेगा पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन। 213 नगरीय निकायों में 358 रसोई का होगा संचालन और राज्य सरकार प्रति थाली 12 रुपए अनुदान देगी। प्रतिदिन 1.34 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी पूरी व्यवस्था की और मोबाइल फोन पर SMS से आएगी कूपन की जानकारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रदेश को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। आज इंदिरा रसोई योजना का आगाज होगा। मकसद यही कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज इस योजना की लॉन्चिंग करेंगे। सीएम आवास से होगी इस योजना की लॉन्चिंग, जहां तमाम मंत्री विधायक जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। 8 रुपए में मिलेगा पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन और इसकी गुणवत्ता की जांच समय समय पर होती रहेगी और अगर किसी को कहीं कोई कमियां लगती हैं, खामियां लगती हैं, तो उसकी शिकायत भी की जा सकेगी। तो 213 नगरीय निकायों में 358 रसोई का संचालन होगा। राज्य सरकार प्रति थाली 12 रुपए अनुदान देगी और रोजाना 1.34 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग की पूरी व्यवस्था की गई है। मोबाइल फोन पर SMS से आएगी कूपन की जानकारी, जिसमें दाल, सब्जी, रोटी, अचार मिल सकेगा। तो संबंधित विभाग जिला कलेक्टर से भी शिकायत कर सकेंगे। विभाग के टोल फ्री नंबर पर भी शिकायत की जा सकेगी। कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के भोजन प्राप्त कर सकेगा और भोजन लेते वक्त किसी भी तरीके के कोई भी दस्तावेज नहीं देने होंगे। तो आवश्यकता के मुताबिक समितियां भी बनाई गई हैं, जो कि मेन्यू में भी बदलाव करती रहेंगी और अगर कहीं कोई खामी पाई जाती है, गुणवत्ता में कोई कमी नजर आती है, तो लाभार्थी इसकी शिकायत भी आसानी से कर सकेंगे, कलेक्टर से कर सकेंगे और जो टोल फ्री नंबर है उसके जरिए भी ये जानकारी पहुंचाई जा सकेगी। तो पूरे प्रदेश में कुल 358 रसोई खोली जाएंगी। ये रसोई प्रदेश के 213 जगहों पर तैयार होंगी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है और मकसद यह है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। बिल्कुल, आज ये वाकई प्रदेश के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है और खासकर जो कि जरूरतमंद हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, जिनके लिए जो है दो वक्त की रोटी मिलना बहुत मुश्किल है, उन लोगों के लिए वाकई एक ये जीवनदायिनी बड़ी सौगात जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से आज दी जाएगी और आज 11 बजे करीब इसकी वर्चुअल लॉन्चिंग होगी। इसके अलावा जो 7 जिले हैं आइडेंटिफाई किया गया है, उसमें एक एक रसोई को तो वहां पर लाभार्थियों से जो है सीएम अशोक गहलोत 1-to-1 चर्चा भी करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जो योजना है उनको कैसी लगी, जो खाना उनको सर्व किया गया वो कैसा था, इस तरह की चीजें बात होगी। इसमें मैं बता दूं कि सबसे बड़ी बात जो है इसमें 8 रुपए में भोजन मिलेगा। 8 रुपए में जो भोजन मिलेगा उसमें उसकी कुल लागत 20 रुपए है। जो राज्य सरकार है वो 12 रुपए का अनुदान इसमें देगी और जो लाभार्थी है उसको केवल 8 रुपए देने होंगे। और उसमें सबसे बड़ी बात जो है कि ये जो भुगतान की व्यवस्था है, जो पूरा ट्रांसपेरेंसी पूरे सिस्टम में रखी गई है कि इसमें जो सूचना व्यवस्था तकनीक का उपयोग करते हुए ये व्यवस्था की गई कि जो भी लाभार्थी रसोई में आएगा उसकी बाकायदा फोटो खींचेगी और उसकी जो है फोटो और उसका मोबाइल नंबर वेबसाइट पे अपलोड की जाएंगी। आज जब सीएम अशोक गहलोत वर्चुअल लॉन्चिंग करेंगे इस योजना की, तो साथ में जो योजना से योजना की डेडिकेटेड वेबसाइट बनाई है उसकी भी लॉन्चिंग करेंगे। ये इस वेबसाइट पे कोई भी आमजन देख सकता है कि प्रदेश की किस रसोई में किस व्यक्ति ने, कितने लोगों ने कब खाना खाया, इसकी पूरी जानकारी जो है पब्लिक डोमेन में उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा एक ऐप भी बनाया गया है। इस ऐप के माध्यम से SSO ID जो है मॉनिटरिंग वाले जो अधिकारी हैं, चाहे वो निकाय स्तर के हों, चाहे जिला स्तर के हों या संभाग स्तर के हों, उनको ये SSO ID दी गई है। तो ये लोग जो है
अपने ऐप से उस योजना की मॉनिटरिंग कर सकेंगे जो रसोई है। अभिषेक, बिल्कुल मॉनिटरिंग भी हो सकेगी और साथ साथ अगर कहीं कोई खामी नजर आती है, गुणवत्ता को लेकर किसी भी तरीके की शिकायत हो, तो वो भी दर्ज करवा सकते हैं लोग। बिल्कुल, वही मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे रहेंगे, यहाँ पर कंप्यूटर की व्यवस्था होगी, वो उससे लाइव फीड जो है ऐप पर और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा जब व्यक्ति खाना खा लेगा तो उसके बाद एक मैसेज उसके मोबाइल पर आएगा, जिस पर वो अपना फीडबैक भी दे सकता है कि उसको खाना कैसा लगा, जो रसोई है वहाँ पर उनको वाकई क्या सम्मानजनक तरीके से खिलाया गया, नहीं खिलाया गया, वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी थी, पानी साफ मिला नहीं मिला, ये सारी फीडबैक वो दे सकता है। ताकि ये जो फीडबैक जो भी लाभार्थी देगा वो फीडबैक ऐप पर उपलब्ध होगा। बिल्कुल अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। नरेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, लगातार एक के बाद एक कई सौगातें प्रदेश की जनता को मिल रही है और आज का दिन भी काफी अहम, क्योंकि मकसद यही कि कोई इंसान भूखा ना रहे, वक्त वक्त पर इसकी मॉनिटरिंग भी होगी, गुणवत्ता की भी जांच होगी और साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल, देखिए आज भारत अपने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है और उस जयंती के मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम से रसोई योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुरू कर रहे हैं इंदिरा रसोई। खास बात यह है कि जब कोरोना का संकट आया था तब मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से अपील की थी कि कोई भी भूखा ना सोए और इसमें जनता ने पूरी मदद की थी, सामाजिक संगठनों ने मदद की थी, भामाशाहों ने मदद की थी। अब उसी कदम को एक और कदम आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने इसी संकल्प को और साकार करने के लिए इसमें बड़ा कदम उठाया, वो इंदिरा रसोई योजना का है। और जैसे अभिषेक ने बताया है कि 213 नगरीय निकायों में जो 358 रसोई है उनके माध्यम से भोजन की व्यवस्था की जाएगी और खास बात यह कि 8 रुपए में भोजन जो है वो मिलेगा, दोपहर का भोजन मिलेगा, शाम का भोजन मिलेगा। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह कि अगर पिछली रसोई योजना जो है उससे हम तुलना करें तो इस बार एक अंतर बड़ा यह है कि इस बार बैठकर भोजन कराया जाएगा, यानी खड़े होकर लाइन लगने की बजाय मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है कि बैठ के जिस तरह से व्यक्ति घर में भोजन करता है उस तरह से सम्मानजनक तरीके से वो भोजन करें। और खासकर जो जहां चिन्हित स्थान है उनके भी कोई भी प्रमुख शहर है उसका जो रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, अस्पताल है, इनको प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ पे व्यक्ति को भोजन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। और एक अहम बात है, अभिषेक ने बताया कि इस पहली बार पूरा सिस्टम है वो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी, यहाँ तक कि जैसे एक SMS के माध्यम से सूचना मिलेगी जिसने व्यक्ति ने भोजन वहाँ पे किया है और उस जो कूपन उनको मिलेगा उसकी भी SMS से सूचना मिलेगी, यानी कि कहीं कोई ये लापरवाही जैसी कोई शंका इसमें नजर नहीं आएगी। और आज इसकी ये शुरुआत है लेकिन धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से इसको प्रदेश के और छोटे छोटे जगह पे भी इसको शामिल किया जाएगा, जगह को भी, ताकि जो कोई भूखा ना सोए, ये जो अभियान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उसमें अब सरकारी मशीनरी है वो भी प्रमुख रूप से उसमें जोड़ दी जाएगी। क्योंकि अब तक जो हमने देखा था कि जो कोरोना काल में अभियान चलाया था भामाशाह की मदद से, सामाजिक संगठनों की मदद से और अन्य जो राजनीतिक जो नेता है उन्होंने अपने स्तर पे किया था, हालांकि सरकार ने भी अपनी तरफ से सूखा राशन वगैरह की व्यवस्था की थी, लेकिन अब उसमें आगे हो गया कि अब भोजन कराया जाएगा, बैठा के भोजन कराया जाएगा। तो ये आज एक बड़ी सौगात प्रदेश की जनता को मिलने जा रही है और उन गरीब तबके के लोगों को मिलने जा रही है जिनको कहीं भोजन की कोई दिक्कत है या कहीं एक खास मकसद के साथ इस योजना की आज शुरुआत होने जा रही है ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए और हर किसी को भोजन मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेश शर्मा। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए।